हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम आपको VS3 वेजाइनल सपोजिट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। यह VS3 वेजाइनल सपोजिट्री क्या काम में आती है, किस कंडीशन में यूज की जाती है, क्या साइड इफेक्ट किया, क्या कंपोजिशन मिला हुआ है, कौन सी कंपनी का ब्रांड है, MRP क्या है, कैसे यूज करते हैं, यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगी। मैं नरेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नमो फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको VS3 वेजाइनल सपोजिट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर कंपनी की बात करते हैं तो यह सिस्टोफिक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। MRP की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसके 93 रुपेज की पर 3 सपोजिट्री आपको आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर, जहां पे एलोपैथिक मेडिसिन मिलती है वहां पे मिल जाएगी, या फिर जहां पे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है VS3 वेजाइनल सपोजिट्री, वहां पे आपको यह मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें 2 कंपोजिशन मिले हुए हैं, क्लिंडामाइसिन 100 mg और क्लोट्रिमाजोल 200 mg पर सपोजिट्री में मिले हुए हैं। VS3 वेजाइनल सपोजिट्री क्या काम में आती है, किस कंडीशन में यूज की जाती है, किन्हें यूज की जाती है, तो फ्रेंड्स यह है ट्रीट वेजाइनल इन्फेक्शन। अगर किन्हीं महिलाओं को वेजाइना में इन्फेक्शन हो, वह एसोसिएट विथ वेजाइनल डिस्चार्ज, वह वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से अगर किसी के वेजाइनल इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में VS3 डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है, डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। वेजाइनल डिस्चार्ज जिन महिलाओं को, यानी हम हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज सफेद पानी जिसे कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है, यानी वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज होता है, वह वाइट जैसा डिस्चार्ज रहता है, उसे ही वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। उसकी वजह से अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया हो या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा हो, तो उस कंडीशन में VS3 डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड की जाती है। इसी के साथ में अगर इट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय द स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन की ग्रोथ को यह स्टॉप कर देते हैं VS3, यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी ग्रोथ को यह कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है और महिलाओं को इन्फेक्शन से, इस वाइट डिस्चार्ज से, इस सफेद पानी से छुटकारा मिल जाता है। इस वाइट डिस्चार्ज की वजह से फ्रेंड्स, महिलाओं को कमजोरी जैसी फील होना, ब्लड की कमी होना, थकान जैसी महसूस होना, बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वह बार बार बीमार भी होती है। तो इस वेजाइनल डिस्चार्ज अगर किसी को हो तो अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर ले, अपने डॉक्टर को जरूर से दिखा ले। इट आल्सो प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, VS3 से जो फर्दर आगे आने वाले इन्फेक्शन होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सही हो जाते हैं और महिलाएं अच्छे से फील करती है। तो जिन महिलाओं को भी, ज्यादातर महिलाओं को, 70-80% महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वह अगर अपनी वेजाइना को साफ नहीं करती है, सही नहीं रखती है, इन्फेक्शन से बचाती नहीं है, बार बार वॉश नहीं करती है, तो उन्हें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और जिसकी वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है और काफी प्रॉब्लम होती है। इसलिए उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके VS3 आप सपोजिटरी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करनी है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर डोज की बात करें तो 1 सपोजिटरी डेली यूज करनी है, नाइट में भी आप यूज कर सकते हैं या फिर बाथ या नहाते समय भी इस सपोजिटरी को यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर वेजाइनल एप्लीकेशन, इस VS3 सपोजिटरी को महिलाएं वेजाइनल में शैम्पू की तरह, जैसे कि अगर किसी महिला को पता है कि वीवॉश वेजाइनल वॉश करती हैं, उस वेजाइनल वॉश की तरह ही इसे वेजाइनल एप्लीकेशन करना रहता है, वेजाइना वॉश करनी रहती है, जिसकी वजह से वह अच्छे से एप्लीकेबल रहती है, अच्छे से काम करती है। यानी डेली 1 सपोजिटरी आप यूज करें, 1 सपोजिटरी से वेजाइना वॉश करें, जब तक आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती तब तक यह यूज करें। जब आपकी प्रॉब्लम वाइट डिस्चार्ज वेजाइनल इन्फेक्शन सही हो जाए, उसके बाद में यह VS3 वेजाइनल सपोजिटरी आप यूज करना बंद कर सकते हैं, और इसे यूज करने के बाद में हैंड वॉश जरूर से कर ले, जिससे और जगह भी आपके इन्फेक्शन फैलने की
जो ग्रोथ है वो है नहीं हो या फिर और जगह भी आपके इन्फेक्शन नहीं फैले। अब बात करें साइड इफेक्ट की, तो फ्रेंड्स इसके यूज से वैसे तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अगर किसी महिलाओं को, किसी भी महिला को कोई इन्फेक्शन होता है तो वह जैसे कि बर्निंग सेंसेशन या फिर इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे बंद भी कर सकते हैं या फिर यह कुछ समय के लिए बंद कर दे जिससे उन्हें सही फील हो सके, उसके बाद में यूज कर सकते हैं। और फॉलो द प्रॉपर पर्सनल हाइजीनिंग फॉर द फास्ट रिकवरी। और फ्रेंड्स इसी के साथ में जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी महिलाओं को फर्दर जल्दी इससे छुटकारा चाहिए तो वह फास्ट रिकवरी के लिए पर्सनल हाइजीनिंग का भी ध्यान रखें। यानी अगर यह वाइट डिस्चार्ज सही हो गया तो अपनी वेजाइना को बार बार में वॉश करते रहे, बार बार में ध्यान रखें वेजाइना आप हेयर रिमूव करें और वीकली 2-3 बार वेजाइना को जरूर से साफ करें। यानी आपको वेजाइना के हाइजीन की पर्सनल जो ध्यान रखना जरूरी है जिसकी वजह से आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं हो, वेजाइना इन्फेक्शन नहीं हो। अगर VS3 वेजाइनल सुपोजिटरी आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप कॉन्टेक्ट करके इसे मंगवा भी सकते हैं या फिर गूगल पे और भी साइटें हैं जो मेडिसिन की, वहां से भी आप इसे वेजाइनल सुपोजिटरी को मंगवा सकते हैं। आशा करते हैं कि इसके बारे में सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को जिन्हें भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, वेजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, उन्हें यह वीडियो जरूर से शेयर करें जिससे उन्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।